फ्रेंड्स, मैं आज आपको लेके आया हूँ कि हम हिंदी से इंग्लिश में सेंटेंस कैसे बनाएं, यानी कि हिंदी से इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करें और इंग्लिश से हिंदी में कैसे कन्वर्ट करें। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको एकदम शॉर्ट ट्रिक्स लेके, शॉर्टकट, एकदम इजी तरीका आपको आज बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से हम हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी कन्वर्ट करते हैं। हो सकता आज तक आपने ऐसा कोई भी तरीका ना सुना होगा और ना ही पढ़ा होगा। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। रही हूं, रहा हूं, एम वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म। यदि एम आ जाए और वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म हो तो समझ लीजिए आप, या तो होगा वो रही हूं या रहा हूं। यदि आर आ जाए और वर्ब के साथ में आईएनजी फॉर्म है तो रहे हैं होता है, या फिर रहे हैं तो हमें आर लगाना है हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के साथ में आईएनजी भी लगा देना है। तीसरी चीज फ्रेंड्स, रहा है, रही है को हम इज में, इज हेल्पिंग वर्ब के साथ में बनाते हैं, यानी कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रही है आ जाता है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब इज होती है और उसकी मेन वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं। या फिर इज, यदि इज है और वर्ब में आईएनजी है तो आप समझ लीजिए या तो वो रहा है या रही है। आप इस तरीके से कन्वर्ट इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो बिल्कुल बेसिक चीजें हैं फ्रेंड्स, नहीं आ जाए, यदि किसी सेंटेंस में नहीं आ जाए और नहीं के साथ, यानी कि निगेटिव में हो, नकारात्मक हिंदी में हो, नहीं हो जाए, आ जाए और हिंदी वाक्य के अंत में ताऊ आ जाए, तीऊ आ जाए या तेहे आ जाए तो उसमें हेल्पिंग वर्ब लगती है डू नॉट। यदि नहीं है और ताहे नहीं शब्द है और यानी कि वाक्य के अंत में ता है तो वहां पर आएगा डज नॉट, या फिर डू नॉट है तो वाक्य के अंत में आपको ताऊ या तीऊ या ते हैं, यानी कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, कर्ता के अकॉर्डिंग आपको इन तीन में से लगाना है। यदि डू नॉट है इंग्लिश में तो हिंदी में कन्वर्ट करने के लिए, यदि डज नॉट है तो आपको वहां पर ता है ही लगाना है हिंदी में वाक्य के अंत में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। जैसे कि फ्यूचर में गा, गी और गे, यदि ये आ जाए तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब हमें लगानी है विल। यदि गा, गी, गे के साथ में उस सेंटेंस में, यानी कि उस वाक्य में बीच में नहीं शब्द आ जाए, यानी कि नकारात्मक है तो हम विल नॉट का यूज करेंगे। फ्रेंड्स, यदि विल है तो हिंदी में कन्वर्ट करने के लिए वाक्य के अंत में गा, गी, गे, यानी कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये तीन शब्द आ जाएंगे। फ्रेंड्स, यदि विल नॉट है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही नहीं आएगा सेंटेंस में, नहीं शब्द भी आएगा और गा, गी, गे भी आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने ये आपको बेसिक चीजें बता दी हैं। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स, जिस तरीके से हम इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश कन्वर्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि ताऊ, तीऊ, ते हैं या ते हो, इनके साथ में यदि ये शब्द आ जाए तो इनकी कोई भी इंग्लिश नहीं होती है और ना इनके साथ में कोई भी, केवल यही है, सिर्फ यही है, ना नेगेटिव है, ना क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, सिंपल है। सिंपल सेंटेंस में यदि ये आ जाए, यदि सिंपल सेंटेंस में ये आ जाए वाक्य के अंत में तो उसकी कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, अब आगे चल के देखते हैं, आगे देखते हैं किस तरीके से हम हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करते हैं। फिर साहब, एक चीज और मैं आपको बता दूं, बेसिक चीज है, यदि सुबह सेंटेंस में कहीं सुबह शब्द आ जाए, यानी कि सुबह आ जाए तो आ जाएगा इन द मॉर्निंग, यदि इवनिंग आ जाए तो इन द इवनिंग, कभी भी यदि टाइम आ जाए तो टाइम के पहले हम एट का यूज करते हैं, जैसे 9 बजे तो एट 9 o'clock, यदि रात आ जाए तो आएगी एट नाइट, या रात में या रात को इस तरीके से कोई शब्द आ जाए सेंटेंस में तो हम लगाते हैं एट नाइट। फ्रेंड्स, हम जल्दी से देखते हैं। और दूसरी चीज, इस तरीके की जो मैं आपको प्रीपोजिशन लगा के बता रहा हूँ कि किन के साथ में फिक्स होता है और प्रीपोजिशन किस तरीके से यूज की जाती है, ये प्रीपोजिशन वाली मेरी एक और वीडियो अपलोड होने वाली है, जो आप वो देख लेंगे तो पूरी प्रीपोजिशन आपके पूरे के पूरे क्लियर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। जैसे कि मैं किताब पढ़ता हूं, देखिए एक अपना जो रोल से वो क्या है कि मैं किताब पढ़ता हूं तो जो सब्जेक्ट होता है वो आगे ही रहता है, चाहे हिंदी का हो
और चाहे इंग्लिश का हो वो हमेशा आगे ही रहता है और ये आगे पीछे यानी कि पीछे नहीं जाता ना बीच में आता है, तो आई मिस होता मैं। और इसमें क्या करते हैं, अब हमें हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करना है तो हमें सीधा उल्टा चलना होता, हम उल्टा चलेंगे, बिल्कुल उल्टा चलेंगे और आप इंग्लिश कन्वर्ट कर देंगे, जैसे पढ़ना रीड, ठीक है। अब आगे क्या बचे यहां पर, किताब बुक। ओके फ्रेंड्स, अगर हमें इंग्लिश से हिंदी में करना है तो देखिए यहां पर ये आई मिस होता है, मैंने कहा था ना कि ये कहीं नहीं आएगी, ये आगे ही रहते हैं आई मिस में, और फिर उल्टा चलेंगे इंग्लिश से हिंदी में भी उल्टा चलते, क्या है बुक मैं, यानी कि बुक है, बुक मिस होती किताब, मैं किताब रीड मिस पढ़ता हूं। फ्रेंड्स देखिए, जब कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, कुछ भी नहीं होता है, तो हम त्यू ते या ताऊ इस तरीके के ये वाले शब्द लेते हैं, इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं, तो हमें इनमें से कोई एक लेना होता है, इतना आप याद रखिएगा। दूसरी चीज देखते हैं हम, और भी सेंटेंस देखते हैं किस तरीके से हम आगे बनाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, वह सुबह क्रिकेट खेलता है, देखिए मैंने ये कहा था सब्जेक्ट शुरू में ही रहते हैं हमेशा, इसको कहीं भी लिंक ले जा सकते हैं हम, क्योंकि ये हमारे सेंटेंस के रूल्स होते हैं, यानी सेंटेंस का रूल्स है। तो अब हम देखते हैं सब्जेक्ट हमारा क्या ही, अब हम इसको उल्टा चलते हैं, देखिए सीधा उल्टा चलते आएंगे और उल्टे हम बनाते आएंगे सारे वर्ड। देखिए अब ताऊ, इसमें ये सिंपल सेंटेंस में मैंने बताया था, ये सिंपल सेंटेंस में होती है तो इनकी कोई भी मीनिंग नहीं होती है, ना कोई भी हेल्पिंग वर्ब होती है इनकी। तो फ्रेंड्स में उल्टा चलते हैं, जैसे ही, तो यहाँ पर खेलना क्या होता है, प्ले, ही के साथ में एस या एस लगता है मेन वर्ब में, जी मेरी एक अलग से वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप उसको देख लीजिएगा, तो फ्रेंड्स आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, मैंने कह दिया ही खेलना प्लेज, क्या खेलता है वो क्रिकेट, कब खेलता है मैं पहले बता चुका हूँ, सुबह के लिए इन द मॉर्निंग। फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गया होगा, उल्टा बनाना है तो उल्टा कर लेंगे, ही का हुआ है फिर उल्टा चलेंगे, इन द मॉर्निंग को सुबह, और क्रिकेट इसके बाद खेलता है, बिल्कुल इजी है, इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश। नेक्स्ट देखेंगे हम चाय पी रहे हैं, देखिए मैं बता चुका हूं कि वी, वी के साथ में इस आर एम आता है, ये आप एक और वीडियो मेरी देखेंगे आप, इस आर एम के ऊपर बनी है कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब में, तो आपको वो भी क्लियर हो जाएगा। तो वी रहा है या रहे हैं, देखिए फ्रेंड्स रहे हैं के लिए हम क्या लगाते हैं आर, और इसमें वर्ब में आई एन जी, तो वी के साथ आर आ गया। देखिए आप उल्टा चलेंगे सीधा उल्टा, तो वी रहे हैं तो आर, इसके बाद पीना, टेक मींस पीना, और वर्ब में आई एन जी है, तो टेक में हमने क्या लगा दिया आई एन जी, क्या पीते हैं, क्या पी रहे हैं चाय। नेक्स्ट सेंटेंस, गीता गीत नहीं गाती है, गीता डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, देखिए फ्रेंड्स ये सब्जेक्ट है गीता, अब हम उल्टा चलते हैं नहीं के लिए, ताऊ तीन ते, देखिए नहीं ता है, या गीता गीत नहीं गाती है, तो यहां पर ता है या ती है, तो हम क्या करते हैं डज नॉट, ती है यहां पर डज नॉट, गीता वही रहेगी डज नॉट, अब क्या नहीं करती है गीत सिंग, क्या यहां पर जे गाना होता है और ये सिंग यानी कि सॉन्ग होता है और जे वर्ब होती है, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे गीता गाती है यानी कि डज नॉट आ गया, इसके बाद गाती है सिंग, और क्या नहीं गाती है सॉन्ग, हम चाय नहीं पीते हैं यानी कि वी, फिर से आ गया फ्रेंड्स वी, तो वी के साथ में नॉट आ गया फ्रेंड्स, तो क्या आ जाएगा पीते हैं, ते हैं यानी कि डू नॉट, वी आ गया उल्टा चलेंगे नहीं है और ते हैं, तो डू नॉट क्या नहीं करते हैं टेक, इसके बाद फिर आगे चलेंगे चाय, तो वी डू नॉट टेक टी, हम चाय नहीं पीते हैं, वे रात में आएंगे, देखिए फ्रेंड्स आएंगे के लिए विल, यदि नॉट होगा तो विल नॉट, लेकिन यहां पर नॉट नहीं है तो क्या करेंगे देखेंगे आप, दे, दे मीन्स होता है वे, दे मीन्स वे, अब उल्टा चलेंगे गे, तो यहां पर आ गया विल, आने के लिए कम, ठीक है रात में, फ्रेंड्स मैं पहले बता चुका हूं आपको रात में या रात को, तो क्या आ जाएगा एट नाइट, कितना इजी है फ्रेंड्स हिंदी से इंग्लिश, तो हम इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करके देखते हैं, बिल्कुल इजी तरीका है और सभी एग्जाम में ये काम आता है ये रूल्स। देखिए आप, मैं जैसे आई एम लर्निंग इंग्लिश, आई, आई मीन्स होता है मैं, सभी को मालूम है फ्रेंड्स, इसमें क्या है आई एम, एम क्या होता है हूं या रहा हूं, आई मीन्स मैं रहा हूं,
मैं रही हूं भी कर सकती हूं और मैं रहा हूं भी, क्योंकि लड़की और लड़का दोनों हो सकते हैं इसमें से। तो क्या हो गया आई, आई के लिए अब लास्ट से हम चलते हैं बिल्कुल उल्टा चलते हैं, तो हमने एम रहा हूं, देखिए फ्रेंड्स रहा हूं एम, एम रहा हूं, यहां पर एम हो गया तो लास्ट चलेंगे रहा हूं। इसके बाद क्या है उल्टा फिर से चलेंगे हम, क्या है अपना इंग्लिश, क्या है इसमें इंग्लिश, और यहां पर लर्निंग। तो फ्रेंड्स देखते हैं लिखना है तो क्या इंग्लिश, इंग्लिश सीखना, फिर उल्टा चलेंगे सीखना सीख, और इस आरएम के साथ में क्या लगता है आई एन जी, तो इसमें आई जी लगी है तो यहां पर आई जी भी लगी है और रहा हूं। इस तरीके से फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा मैं इंग्लिश सीख रहा हूं। दूसरा देख लीजिएगा आई टेक टी एट 9 o'clock इन द मॉर्निंग डेली विद मोहन, देखे फ्रेंड्स इस तरीके से कैसे हम एकदम इजी तरीके से अब भी हाल बनाते हैं। फ्रेंड्स देखें जैसे आई लिस होता मैं, अब उल्टा चलेंगे विथ मोहन, यानी कि हम उल्टा चलेंगे बिल्कुल उल्टा चलेंगे, पूरी की पूरे सेंटेंस को हम उल्टा लेके चलेंगे और 100% सही आएगा। आई तो वहीं पर हो गया मैं हो गया, अब उल्टा चलेंगे मोहन विथ के साथ, विथ मीन्स होता के साथ, डेली मीन्स होता रोज, देखिएगा बिल्कुल उल्टा करते जाएंगे, मॉर्निंग सुबह, यानी मॉर्निंग हम क्या बोलते हैं इन द मॉर्निंग, जैसे कि मैं यहां पर आपको पहले बता चुका हूं इन द मॉर्निंग सुबह कितने बजे 9 बजे, 9 बजे देखिए फ्रेंड्स बजे के लिए टाइम के लिए एट आता है तो एट भी लगा हुआ है 9 बजे। फिर इसके बाद क्या है टी चाय, उल्टा चलते जाइएगा टेक पीता हूं। देखिए फ्रेंड्स किस तरीके से हम इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश में कितने इजी तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स इस तरीके के बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स मेरे पास है, बिल्कुल इजी तरीके मेरे पास, इजी तरीके से पढ़ने के लिए समझने की इंग्लिश में, तो आप मेरे इस चैनल को लाइक भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि आपको अच्छा लगा होगा मुझे भी अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स लाइक करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मैं अगली जो भी वीडियो बनाऊंगा तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे।